80 वाला स्टूडेंट वो आ सकते थे मेरे दोबारा देता है और उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए आप मान लीजिए कि फिफ्टी आ गए या सिक्सटी आ गए उसके वही नंबर काउंट किए जाएंगे जो दोनों में ज़्यादा हैं कि आप एग्ज़ाम दे दीजिए अभी जो एग्ज़ाम हो गए और इसके साथ साथ आप अलमित क्लास का भी पढ़ना शुरू कर दीजिए सबसे ज़्यादा जो फीस है टेंथ क्लास की 250 प्लस पचास और ट्वेल्थ की 300 सौ प्लस पचास साढ़े पचास साढ़े तीन सौ रुपये से ज़्यादा कहीं पर भी कोई फीस बोर्ड के नियम से तो नहीं है उत्तराखंड बोर्ड आप जैसे ही उस पर उत्तराखंड बोर्ड रामनगर डालेंगे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए पेज के वो सुधार परीक्षा के नाम से पेपर आएगा सुधार परीक्षा आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी और मैं आपके साथ काशिफ़ सुल्तान और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं जीआईसी के पूर्व अध्यापक आज़म साहब आजम साहब रुड़की में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर रहे हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं एक उस टॉपिक के बारे में जो कि उत्तराखंड बोर्ड के दसवीं और बारहवीं क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम हैं जो फेल हो चुके हैं या फिर वो अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आज़म साहब पूरी बात बताएंगे आज़म सर से हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कंपार्टमेंट वाला यानी परीक्षा सुधार जो भी कार्यक्रम सरकार ने चलाया है किस तरह से स्टूडेंट फेल होने वाले या कम नंबर वाले स्टूडेंट इस इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आज़म सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में जी शुक्रिया भाई साहब मैं धन्यवाद करता हूँ नमस्कार मीडिया का जो एक बहुत अच्छी परीक्षा के बारे में अवगत कराना चाहते हैं उत्तराखंड के विद्यार्थियों को ये एक बहुत अच्छा अवसर है उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने या कह सकते हैं आप उत्तराखंड कोर्ट ने एक बहुत अच्छा नियम निकाला है जिसके तहत उत्तराखंड के फैल विद्यार्थी कक्षा दस और कक्षा बारह के अंदर जो विद्यार्थी फैल हुए हैं वो दो सब्जेक्ट में हुए हो या टेंथ क्लास वाले स्टूडेंट अगर दो सब्जेक्ट में फैल हुए हैं और ट्वेल्थ वाले एक सब्जेक्ट में फैल हुए हैं तो वो दोबारा से अभी जस्ट इसी महीने के अंदर 20 से 25 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे सब विद्यालयों के अंदर फॉर्म आ चुके हैं वो वहाँ पर जाकर अपने फॉर्म भर सकते हैं इसका इस परीक्षा का नाम सुधार परीक्षा बैक पेपर या आप कंपार्टमेंट कुछ किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से उत्तराखंड बोर्ड ने सुधार परीक्षा चालू की है जिसके तहत विद्यार्थी अगर कोई किसी कारणवर्ष अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया हो या भूल गया हो या तबीयत ख़राब हो गई हो या नंबर किसी वजह से किसी भी स्टूडेंट के अगर कम आ गए हो वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा से एग्ज़ाम को उस सब्जेक्ट के अंदर एग्ज़ाम को दोबारा दे सकता है और अपने अच्छे नंबर ला सकता है ये उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा सर जैसे आपने बताया कि मार्कशीट में सुधार भी हो सकता है यानी एक स्टूडेंट के नंबर आए सौ में से सत्तर नंबर आए वो उसे लग रहा है कि मेरे अस्सी आने चाहिए थे अब वो एग्ज़ाम दे देता है इस चीज़ का और उसके नंबर कम आ जाते हैं और उसमें क्या होगा नहीं नहीं इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक स्टूडेंट अपने नंबरों से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके पहले एट्टी नंबर एट्टी में से सेवेंटी आ चुके हैं वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है वो सो रहा है कि मैं एट्टी बाई एट्टी वाला स्टूडेंट हूँ आ सकते थे मेरे दोबारा देता है और उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए आप मान लीजिए कि फिफ्टी आ गए या सिक्सटी आ गए उसके वही नंबर काउंट किए जाएंगे जो दोनों में ज़्यादा हैं जो जी जो दोनों में ज़्यादा हैं उसके वही नंबर काउंट किए जाएंगे। अच्छा सर इसका जो फॉर्म मिलेगा वो ऑफलाइन ही मिलेगा या ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ये दोनों तरीके से अवेलेबल है अगर आप इसको ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप साइबर कैफ़े पर जाइए उत्तराखंड बोर्ड की जो साइट है उसको खुलवाइए वहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सही तरीका यह है कि अभी फॉर्म पहला ही साल है इस परीक्षा का तो इसके बारे में छात्रों को जानकारी कम है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो अपने विद्यालय जाएं और अपने विद्यालय में जाकर वहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भरें और अपना एग्ज़ाम दें यानी इस परीक्षा से ये फ़ायदा होने जा रहा है उन स्टूडेंट्स को जो फेल हो गए या नंबर कम आए कि उनका साल ख़राब होने से बच जाए बिल्कुल एक तो साल ख़राब होने से बचेगा एक इसके अंदर उत्तराखंड बोर्ड ने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है कि आप एग्ज़ाम दे दीजिए अभी जो एग्ज़ाम होंगे और इसके साथ साथ आप अलवेंथ क्लास का भी पढ़ना शुरू कर दीजिए आपको एडमिशन मिल जाएगा पर वो टम्परेरी एडमिशन मिलेगा आप अपने विद्यालय में जाकर टेंथ क्लास के ये एग्ज़ाम देने के बाद जिन दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं या नंबर कम है आप कंटिन्यू यहाँ से टेंथ क्लास वाले बच्चे अलेवंथ क्लास का पढ़ना शुरू कर सकते हैं वो टम्परेरी पढ़ाया जाएगा उनको रोका नहीं जाएगा तब तक पढ़ेंगे वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जैसे ही पास होंगे वो अपनी ग्यारहवीं की क्लास अपना कंटिन्यू करते रहेंगे और अग, और अगर नंबर कम ही रह जाते हैं यानी फेल ही रह जाते हैं तो फिर वो वापस दसवीं की फिर वो वापस अगले साल दसवीं की परीक्षा में ही वो छात्र बैठेगा वो एक तरीके से फिर फेल हो जाएगा फेल जी जी बिल्कुल अच्छा ये कानून कब बना मतलब ये रूल्स कब आए हैं ये रूल 2023 में आ चुके थे पर इसको 23 में आते आते थोड़ा लेट हो गया था पर इस बार अच्छी तरीके से ये ग्राउंड पर आ चुकी है 2023 में ही ये नियम बन चुका था अच्छा ये सारी चीज़ें तो आपने बताई इसके अलावा और कोई ऐसी सुविधा जिसका अब तक लोगों को ना पता हो इसके अंदर एक चीज़ और है जैसा कोई स्टूडेंट पिछले साल 2023 में एग्ज़ाम दिया उसने बारहवीं क्लास या दसवीं क्लास के स्टूडेंट और उसके उसमें नंबर कम हैं पिछले साल में और वो इस बार फिर एग्ज़ाम दे अपने नंबर बढ़ाना चाहता है तो वो भी स्टूडेंट किन्हीं दो टेंथ क्लास वाला छात्र किन्हीं दो सब्जेक्ट में और बारहवीं क्लास वाला किसी एक छात्र में अपने नंबर बढ़ा सकता है, है। यानी वो आगे क्लास में भी पढ़ रहे हैं और इधर अपने नंबर भी बढ़ा रहे हैं उनकी मार्कशीट चेंज होकर आ जाए मार्कशीट उनकी चेंज होकर आ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर इसकी फ़ीस वगैरह क्या है टाइमिंग क्या एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी फ़ीस ये है कि देखो टाइमिंग का तो अभी जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद इनकी डेट आएगी कि जैसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आती है कौन सा पेपर कब है इसी तरीके से बिल्कुल आपकी डेट शीट आएगी उसी के आधार पर ये एग्ज़ाम होंगे और जब आप कह रहे थे अभी फ़ीस फीस का इसका ये रहेगा कि जो टेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस दो सौ प्लस पचास पर सब्जेक्ट मार्कशीट जो मार्कशीट बनेगी दोबारा उसकी फ़ीस है यानी एक सब्जेक्ट की ढाई सौ फीस है लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें ओबीसी, एससी, एसटी इसके आधार पर फीस थोड़ी कम ज़्यादा है तो आप जैसे ही साइट पे जाएंगे या फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा और ट्वेल्थ क्लास के लिए ये नियम है कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस तीन सौ रुपये हैं और पचास रुपये उनकी भी मार्कशीट फीस है और जैसे ही एस सी ओ बी सी एस टी के स्टूडेंट है वो उनके लिए चेंज होता रहेगा थोड़ा पचास पचास रुपये का अंतर है कम ज़्यादा होता रहता है पर मोस्ट सबसे ज़्यादा यही है तीन सौ प्लस पचास जनरल वालों के लिए अच्छा सर आपने फीस बताई 200, 250, 300, साढ़े तीन, सो, तीन लेकिन सुनने में आया कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल कॉलेज वाले हज़ार पंद्रह सौ इस तरह से फीस चार्ज कर रहे हैं ये सब क्या चक्कर है ये ये मैं जैसा ये आपको बताया कि ये परीक्षा अभी आई है और इसके बारे में छात्रों को या उनके गार्जियन को भी जानकारी अच्छे से नहीं है बच्चा जैसे ही घर जाकर आपको ये बताएगा कि मेरे मेरा साल बच जाएगा तो दूसरे कुछ लोग हैं पता नहीं कौन है वो इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं जो कि गलत है इसका सीधा सा तरीका है आप साइबर कैफ़े पर जाइए मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड बोर्ड आप जैसे ही उस पर उत्तराखंड बोर्ड रामनगर डालेंगे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए पेज के वो सुधार परीक्षा के नाम से पेपर आएगा सुधार परीक्षा उस पेपर का नाम है सुधार परीक्षा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए उसके ऊपर पूरी संपूर्ण जानकारी है तो आप किसी को भी इस तरह से पंद्रह सौ रुपये या दो हज़ार रुपये कोई मांगता है हज़ार बिल्कुल मत दीजिए आप स्कूल में जाइए और स्कूल में जाकर हमने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा जो फीस है टेंथ क्लास की दो सौ पचास प्लस पचास रुपये और ट्वेल्थ की तीन सौ प्लस पचास साढ़े पचास साढ़े तीन सौ रुपये से ज़्यादा कहीं पर भी कोई फ़ीस बोर्ड के नियम से तो नहीं है अच्छा मतलब बोर्ड का नियम बस इतना ही है अगर कोई ज़्यादा फीस वसूल रहा है यानी वो गलत कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है वो अपनी कोई पॉकेट मनी का सिस्टम है वो कर रहा है लेकिन अदरवाइज़ ये ऐसा कोई नियम नहीं है और इतना ही है तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना जो आज़म सर ने अभी अभी बताया जो कि जीआईसी कॉलेज रुड़की के पूर्व अध्यापक भी हैं कि सबसे पहले तो ये कि एक साल बचना जा, बच जाएगा स्टूडेंट का साल बचने जा रहा है फेल स्टूडेंट का और जिनके नंबर कम हैं वो नंबर बढ़ सकते हैं दूसरा फ़ीस के मामले में भी सर ने बता दिया है कि फ़ीस जो है मैक्सिमम 200 से 250 और 300 से साढ़े तीन है जो लोग ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो मेरा सभी स्टूडेंट से और अभिभावकों से यही कहना है कि एक बार साइबर कैफ़े पर या अपने घर से नेट के जरिए इस सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर ले लें ले। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद भाई साहब आपका भी